नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कविता न। लेखक श्री तिनकोरी पात्रो। न यानी नहीं, तो शुरू करते हैं नहीं। आज की कविता लेखक हैं श्री तिनकोरी पात्रो। क्यों सब जानकर भी सब समझकर भी आखिर नहीं समझता। क्यों भूल देखकर भूल कर भूल को पकड़ नहीं पाता। जो भी करते हैं वही बोलते हैं। लोग क्यों सब कुछ नहीं सुनते हैं। मन जो चाहता है जो न्याय है क्यों वो क्यों नहीं मिलता है। जो चाहिए वो है कहाँ। क्यों उसका हम कोई क्यों उसका हम कोई चेहरा नहीं देख पाते। इतने रोशनी इतने हवा तब भी क्यों गलत निशाना। चारों तरफ जो होता है जो देखता हूँ वे मन क्यों नहीं मांगता है। जो खाता हूँ अच्छा ही है तब भी शरीर को क्यों पसंद नहीं आता है। श्रम का विकल्प क्या है क्यों आज भी नहीं मिला। विराम और आराम का नींद कहाँ जाता है क्यों वो थोड़ा सा भी मुंह दिखा के नहीं जाता है। आनंद में भरपूर मन तब भी पीछे क्यों हंसता है वेदना। सब समझता हूँ तब भी क्यों ये नहीं समझता। हर पूर्णिमा में पूर्ण चंदा नहीं मिलता। हर पूर्णिमा में पूर्ण चंदा नहीं मिलता। तो आज के लिए यहाँ तक ही। हमारे जीवन में खूब सारे नहीं हैं और हम संपूर्ण में पूर्ण में विलीन होने की इस साधना में उन सारे नाओं को उन सारे नहींओं को हाँ में बदलते हैं। ये सारे नहीं हैं जो है ये सारे बाहर का नहीं अपने अंदर में जो सारे नहीं हैं उनको तब्दील करने की ये पूरा जीवन जो है वो एक साधना है। तो आशा करते हैं आज यहाँ तक ही। फिर हम मिलेंगे नए कोई एक कविता लेके नए कोई एक उपस्थापना लेके। तब तक हम हमारे जीवन के अंदर झांकते हैं और जो सारे नहीं हैं जो सारे हमारे अंदर की जो नहियाँ हैं उन नहियों को चलिए सहियों में तब्दील कर देते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद से। और तब तक के लिए सारे अच्छे से रहिए खुश रहिए। टाटा।